गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के बिना अनुमति के विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं का प्रवेश लिए जाने के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र के एक गुट ने मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद छात्रों अपनी मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की और अपनी मांगों को कुलपति के समक्ष रखा। छात्रों की बात सुनकर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने इस मामले की जांच कराकर संबंधित विद्यालयों महाविद्यालयों पर कार्रवाई की बात कही, जिसके पश्चात छात्रों ने अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को सौंपा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन के बिना परमिशन के पूर्ण रूप से अवैध है। ऐसे महाविद्यालयों का तत्काल संबद्धता से समाप्त कर देना चाहिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनीष ओझा ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद कुल सचिव जी का एक गाइडलाइन है कि 15 से 27 के बीच जो होगा उसके बाद अगर जो होता है तो उस पर निजी महाविद्यालय अपने हिसाब से एडमिशन ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इस हिसाब से एडमिशन किया जा रहा है। और मान लीजिए अगर ये एडमिशन हो रहा है उसके बाद जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे एडमिशन नहीं पाते वो कहाँ जाएंगे अगर ये लोग पहले से सीटें अपनी भर लेंगे। नहीं सर, उसमें उसका प्रोसीजर नहीं शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पे चल रहा है, ये लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं और ये लोग पहले से शुरू करते हैं, लोग पहले से शुरू करते हैं तो वही, इसीलिए वही चीज़ है आपके संज्ञान में इस बात को लाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। हमने तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि पहले हमारे बच्चों को एडमिशन के बाद में आपको बिल्कुल जो सीट वृद्धि के लिए जी सर, इसको आप फॉरवर्ड करिए, अगर जरूरत पड़े तो मैं सरकार से बात कर इसमें सर सख्ती से कार्रवाई करवाइए, क्योंकि छात्रों के भविष्य में चिंता ना रहे, नेतागिरी नहीं सर, छात्रों के हित के लिए हम लोग बोलते हैं। आज तक मैं बताइए कोई वैज्ञानिक चीज लेके आया हूँ आपके पास जी सर, एक और चीज़ ये वाला तो अभी और सर, ये जो एमए वाला जो ये हो रहा है पीजी का, इसका कब तक एंट्रेंस का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा बताइए, कहाँ आया एग्जाम सर तो हो गया, आंसर की भी आ गई, जैसे ज़्यादातर बच्चों के महाविद्यालयों में भी इंटरेस्ट दिए उसका, महाविद्यालय अपना एडमिशन शुरू कर चुका है, करते रहते हैं कभी नक्की है तो अपना काम करते हैं, मैं भी उनको पढ़ने लगता। अरे सर तो आप अभिभावक हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों पे, करियर का सवाल है, इसको इसको सर इसको तुरंत सख्ती से पालन करवाइए, हमारे आदेश का पालन होगा, बेटा जो है बाप के ऊपर रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आपसे, कोई आदेश नहीं दे रहा, जैसा कि बेधड़ले से निजी महाविद्यालयों में एडमिशन जारी है, विश्वविद्यालय के बारंबार मना करने के बावजूद ये निरंकुश जितने महाविद्यालय हैं इनकी मांग विश्वविद्यालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जो निंदनीय कृत्य है, जिससे हमारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिसको लेके आज हम लोग माननीय कुलपति महोदय को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। उसमें एक मांग और है कि 25 सीटें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में तुरंत बढ़ाया जाए, 25% सीटों को की वृद्धि की जाए तुरंत, जिसपे माननीय कुलपति महोदय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए और उसका आदेश जारी किया है, सरकार को पत्र भी लिखा है, कुल सचिव जी को आदेश भी दिया कि जितने निजी इस महाविद्यालयों में एडमिशन हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए। ये बताया जब पहले जब महाविद्यालय एडमिशन ले लेगा तो विश्वविद्यालय से जितनी सीटें में भर जाती हैं, अगर जो छात्र बच जाते हैं वो उनका क्या होगा, वो कहाँ एडमिशन है, उनका साल ना बर्बाद हो, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद।